नमस्कार दर्शक बंधु, साई अनंत आश्रम को स्वागत। आज आम जानिबा मेष राशि जन्मरु मृत्यु पर्यंत 11टी महारहस्य। बंधुगण, मेष राशि व्यक्ति जन्मरु मृत्यु पर्यंत 11टी महारहस्य तेबे क्यों बयस रे क्यों सब विपद रही थाए क्यों सब रिष्ट रही थाए ताहा ही वीडियो रु आपण माने जानिपरिबे। तेबे मेष राशि रो लोक माने अल्प केशयुक्त चंचल गति त्यागी बा परदेशी लवणयुक्त शरीर पवित्र मन विलासी भोगी जोगी दयालु स्वभावर होइथांती। दाम्पत्य सुख भोगरे अशांति होइथाय। बहुमुखी चतुर बुद्धिवंत कृषि व्यवसाय रे प्रिय धार्मिक उदार कला प्रेमिक धनवान दाता राजप्रिय गुणवान सर्वकर्मरे विचक्षण त्रिक्लेशी मगंत दयालु बाल्यकालरे दुखी प्रौढ़स्तरे सुखी एवं उत्सवना एवं धर्मविश्वासी होइथांती एवं एमाने गतिशील एवं शीर्ष स्थान को जाई परंती। आपण कर्मठ उद्यमी साहसी एवं कार्यदक्ष व्यक्ति अटंती। परिस्थिति को देखि व्यवस्था करंती। आपण मानकर सौम्यवादी चिंताधारा अनेक मात्रा थाए। आपण मानक शारीरिक शक्ति उपरे आपण मानकर दृढ़ विश्वास रही थाए। सेइथिपाई आपण माने अनेक सम्मान एवं लोकप्रियता हासिल करती। समाज रे एक सुनामधन्य व्यक्ति रूपे आपण माने परिचित होंती। आपण मानक पाई शुभ दिन हला मंगलवार एवं रविवार। सोमवार गुरुवार मध्य फलप्रद अटे। शुभ संख्या हला आपण मानक पाई 9। यही संख्याटी आपण मानक पाई बहुत शुभ अटे। आपण मानक रत्न प्रबाल धातु ताम्र तंत्रमुते पगला प्रक्रांतरे देवता धूमवती अवतार नृसिंह अवतार। शुभ वर्ण हला लाली रंग। चेरमूल हला सुगंधमूल। आपण मानक आराध्य देवता हला वक्रतुंड से गणेश। सेहीपरि एमानक विषयरे किछि रहस्य जाणिनेबा। प्रथम वर्षरे थंडा रोग, द्वितीय वर्षरे काश रोग, चतुर्थ वर्षरे अग्निभय, षष्ठ वर्षरे उच्चस्थानर पड़ा भय, आठ वर्षरे अंगरे आघात लागिबा, द्वादश वर्षरे जलभय, षोहल वर्षरे किछि विपद, बाईश वर्षरे ज्वाला आदि पीड़ा एवं पचीस वर्षरे भ्रमण जोग, बतीस वर्षरे अस्त्राघात जोग रहे, अठाईस वर्षरे ज्वर पीड़ा, पैंतीस वर्षरे शनिपाद ज्वर पीड़ा, बासठ वर्ष दिने बात ज्वर पीड़ा। एतक रिष्ट गत हेले एकहत्तरी वर्षरे दिने कार्तिक कृष्ण द्वादशी बुधवार शतभिषा नक्षत्र कुंभ राशि दिवस एकदंड समय काश जोगे मृत्युवरण करी। जय हो आनंद। आपण को ए वीडियो हुए तो आश्चर्य लगे किंतु यह संपूर्ण सत्य। दैवी शक्ति द्वारा सबकि संभव। से बहु संख्यारे लोक बाबा पाखक आसंतु जने भक्त सहित कथा हवा। बाबा आश्रित अनुभव कर बाबा आश्रित है मुते असुविधे थी। आर्थिक समस्या थी मोर बहुत आर्थिक समस्या थी। अधा दिन घरे बसुली अधा दिन कम करने जाऊली। बाबा आश्रित है मत सबुदिन एम मिलू। आ मोर द्वितीय समस्या है पारिवारिक समस्या। पारिवारिक समस्या बहुत अशांति थी बहुत दुखरे भी थी सेटा भी हेले एबे समाधान हो जाए। मो स्वामी विदेश रे थिले एबे मो पाख को भी फेरी आसबे। देखिले तो फोन जोगे मध्य बहु समस्यार समाधान बाबा करि पारंते। आसंतु जने भक्त सहित कथा हबा। बाबा श्री अनंत संगे आपण जेतेले कथावार्ता हेले तापरे आपणकर जहा असुविधा थिला परिप्रकाश मो जीवन आगुरु अलग प्रकार बाबा कथबार्ता जीवन परिवर्तन आगुरु असुविधा सब सुविधा आगुरु असुविधा तो अनेक प्रकार सब कथा को जानी नहीं पूरा तो सब कथा प्रकाश करने चाहू नहीं। फिर भी मुझे कहूँ कि मु
ବହୁତ ବଡ ବେମାରୀରେ ଚାଲିଥିଲି, ଯୋଉ ବେମାରୀ ମତଲବ ବୋଧେ ମୋ ଜୀବନ ବୋଧେ ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତା କହିବି କହିବା ବି ଠିକ ହବ। ମୁଁ 2 ବର୍ଷ 2.5 ବର୍ଷ ସେ ବେମାରୀ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରି 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 ବିଲକୁଲ ଏକଦମ ମତଲବ ମୁଁ ବାସ ଲାଷ୍ଟକୁ ହେଇଥିଲି ବୋଧେ ଆଉ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବା ହିଁ ମୋର ନିରର୍ଥକ। ଏମିତି ମୁଁ ସେ ବେମାର ସହିତ ଏମିତି ହେଇଥିଲି, ଡକ୍ଟର ବି ଜାଣିପାରିଲେନି କଣ, ଔଷଧ ଖାଇ 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 ହାଲତ ବି ଖରାପ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ କରିକି ଜଷ୍ଟ ମୁଁ କେହି ଦିନ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବେଶୀ ଦିନ ବି ମୁଁ ହେଇନି, ଜୁନ ଫାର୍ଷ୍ଟ କି ମେ ଲାଷ୍ଟରେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ମୋର। ସେ ବେମାର ତ ମତେ ଆଉ କାମ ନାଗନି, ମୋର ମାନେ ସେ ବେମାର ଡକ୍ଟର କହିଥିଲା ଅପରେସନ ହବ, ବୁଝିପାରିଲେ? ହଁ, ଡକ୍ଟର କହିଥିଲା କି ଅପରେସନ ହବ, ଆଉ କିଏ କହିଲେ କି ଯଦି ଅପରେସନ ହବ ଆଗକୁ ଅସୁବିଧା ହବ। ମତଲବ ସେ ଡକ୍ଟର ଜାଣିପାରିଲେ ନାଇଁ ଠିକ ସେ କି କଣ ବୋଲି କି କଣ ପାଇଁ ହଉଛି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ଏବେ ସବୁ ଠିକ ଠାକ। ବାବାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ବି ବହୁତ ବଡ ସୌଭାଗ୍ୟ କି ବାବାଙ୍କ ନମ୍ବର ମିଳିଗଲା, ଯାହା ବାବା କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଥିରେ ଚାଲୁଛି। ଟିକେ ହେଇ 4-6 ଦିନ ହେଲାଣି ଟିକେ ଶୋଇବା ମୁଁ ଲେଟ୍ କରିଦଉଛି, ସେତିକି ଟିକେ ଇଏ ଯାଇଛି, ନହେଲେ ଯାହା ବାବା କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଥିରେ ଚାଲିଛି। ଆଗକୁ ମୋ ଜୀବନ ପୁରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ ମୋର ପୁରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ। ସମସ୍ୟା ଅଛି ତ ସମାଧାନ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି, ବାବା ସିଦ୍ଧି ବଳରେ କରିବେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ। ଅଭିଜ୍ଞ ସାଧକ, ବାସ୍ତୁଦୋଷ, ସଙ୍ଘଦୋଷ, ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି, ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା, ବ୍ୟବସାୟରେ ହାନି ଏବଂ ଜମିବାଡ଼ିର ସମସ୍ୟା, ବିବାହ ବିଳମ୍ବ, ଏ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସରଳ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ଆଶ୍ରମ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ 7008555180। ଫୋନ ନମ୍ବରଟି ଆଉଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, 7008555180।